प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। नया कैंपस नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडरों के पास है, जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस एक्ट 2010 के माध्यम से स्थापित किया गया था। यह एक्ट 2007 में फिलीपींस में सेकेंड ईस्ट एशिया समिट में लिए गए डिसीजन को फॉलो करता है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। बाद में नालंदा विश्वविद्यालय को सम्राट हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने बचा के रखा था। 12th सेंचुरी CE में टर्किश रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी की सेना ने इस विश्वविद्यालय पर हमला कर इसकी इमारत को लूटा और जला दिया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी 500 साल पहले इसका अस्तित्व था। दुनिया इसे ज्ञान का यूनिक सेंटर मानती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी, लॉ, साइंस, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, योग जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराई जाती थी। चाइना के ह्यून सैंग और ईत सिंह जैसे विद्वानों ने भी भारत आने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में गुणगान किया और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। दलाई लामा ने एक बार कहा था कि हमें जो भी बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका स्रोत नालंदा ही है। नालंदा विश्वविद्यालय का आर्किटेक्चर बहुत अलग था। यहाँ 300 से ज्यादा कमरे थे और 7 बड़े हॉल थे। नालंदा में 9 मंजिला लाइब्रेरी थी और इस लाइब्रेरी में 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। यही वजह है कि जब बख्तियार खिलजी ने अपनी सनक में इस विश्वविद्यालय को जला दिया तो कई दिनों तक भी यहाँ पर आग धधकती रही, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भारत का एजुकेशन सिस्टम वाइब्रेंट रहे और भारत में रह रहे लोग पढ़ सके। ये सब इसलिए भी किया जाता था ताकि वो आज़ादी से अपना राज यहाँ पर जमा सके, और ऐसा ही कुछ सेंचुरीज बाद ब्रिटिशर्स ने भी भारतीयों के साथ किया। फंडा क्लियर था, एजुकेशन हटाओ, मूर्ख बनाओ और फिर राज करो। लाइब्रेरी में 90 लाख हाथ से लिखी ताड़ के पत्तों की मैन्यूस्क्रिप्ट्स दुनिया में बौद्ध ज्ञान का सबसे समृद्ध भंडार थी। नालंदा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हब भी है और नालंदा यूनिवर्सिटी को आज भी 17 देशों से सपोर्ट मिलता है। उनमें से ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडोनेशिया और थाईलैंड में से कई स्कॉलर्स भी पढ़ने आते हैं। हालांकि लिखे हुए हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट को वापस दोबारा नहीं लाया जा सकता है, लेकिन नालंदा को 800 साल बाद फिर से संवारा गया है और ये खुद एक हिस्टोरिकल इवेंट है।